हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी एन यालसन जैन आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बेहद ही छोटी सी बट एक इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी। आज की जो हमारी केस स्टडी है वो है जीएसटी ऑन डोमेस्टिक ट्रैवलिंग। मतलब सपोज करो आज का जो हमारा मुख्य किरदार है उसका नाम है संचित। संचित इज अ रेसिडेंट ऑफ कोलकाता एंड ही इज हैविंग अ जीएसटी, मतलब वो जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है। उसे आया मुंबई घूमने का आइडिया। अब उसने क्या सोचा, कोलकाता से मुंबई मुझे जाना है बट ट्रेन में जाना है, तो उसने क्या किया, ट्रेन की बुकिंग करवा ली, टिकट उसने बुकिंग की, वो आके मुंबई उतर गया। जब उसने ट्रेन टिकट्स बुक करवाए तो उसने अपना इनवॉइस देखा और उसे गवर्नमेंट ने उसका GSTIN पूछ लिया। गवर्नमेंट को उसने अपना GSTIN दे दिया और फिर उसके लिए कहानी खत्म हो गई। उसको गवर्नमेंट ने IGST चार्ज करके दे दिया। मतलब जब संचित ने ट्रेन की टिकट बुक करवाई फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, उसको चार्ज हुआ IGST। क्यों? क्योंकि IRCTC है रजिस्टर्ड इन दिल्ली। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संचित मुंबई में आया तो ऑब्वियसली बात है घूमने के लिए आया था। वो घूम रहा है और वो सिर्फ फर्स्ट क्लास के पास लेके मुंबई में पूरी मुंबई का दर्शन कर रहा है। जब वो मुंबई का फर्स्ट क्लास का पास लेके मुंबई दर्शन कर रहा है, उसने अपना टिकट उठा के देखा। उसने वो टिकट पे देखा, उस पे GST तो लोड हुआ है बट उसे किसी ने GSTIN पूछा नहीं, सीधा सीधा इनवॉइस पर C+S चार्ज कर दिया। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? मैं 10 सेकंड तक आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अगर आपको लगे ट्रीटमेंट सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस द ट्रीटमेंट इज करेक्ट। आपका टाइम शुरू होता है अब। काफी सारे जवाब आ रहे हैं। आपका समय खत्म हुआ। द आंसर इज द ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन, जब वो मुंबई के टिकट काउंटर पे अपना पास बुक करवाने गया तो पहली बात उसे किसी ने उसका GSTIN पूछा नहीं, मतलब GSTIN होने के बावजूद उसे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ही ट्रीट किया गया। सो जब उसे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट किया गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां से वो जर्नी स्टार्ट करेगा। अब उसने जर्नी स्टार्ट कहां से करी है, मुंबई से। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो क्लियर आया है। अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली कर दीजिए और हाँ बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।